सीजीआई चंद्रचूड़ ने पलटा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। रिलायंस को लगा 8,000 करोड़ का झटका। केंद्र सरकार क्यों हुई खुश। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय और खुद के भी फैसले पलट देने के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर ऐसा हुआ है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक बार फिर 2021 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को पलट दिया है, जिससे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को करारा झटका लगा है। ये झटका थोड़े बहुत का नहीं बल्कि 8,000 करोड़ का है। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक ऐसा निर्देश जारी किया है जिससे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल सीजीआई चंद्रचूड़ ने डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से उसकी सहायक कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को दी गई पूरी राशि को चुकाने के निर्देश दिए हैं। ये राशि ओरिजिनल आर्बिट्रल अवार्ड के रूप में दिया गया था। अब रिलायंस को बड़ा झटका लगना इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पहले ये रकम 2,782 करोड़ रुपए थी, लेकिन ब्याज की दर बढ़ने की वजह से अब ये रकम 8,000 करोड़ हो चुकी है। अब ये समझने में कोई दिक्कत नहीं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि रिलायंस को 8,000 करोड़ का झटका लगा है, क्योंकि जो राशि वापस लौटानी थी वो अब तकरीबन तिगुनी हो चुकी है। वहीं 8,000 करोड़ किसी भी कंपनी के लिए कोई छोटी मोटी रकम नहीं मानी जाती। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। इस बेंच में सीजीआई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी की कंपनी है। इस विवाद के पूर्व के फैसले में डीएमआरसी के साथ विवाद में अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी को 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को पहले ही हासिल हो चुके तकरीबन 2,500 करोड़ को वापस वसूल करने के लिए कहा गया और माना गया कि पिछले फैसले के कारण न्याय नहीं हो सका। इस मामले में सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने क्या कहा ये भी जान लेते हैं। सीजीआई की बेंच ने कहा कि इस कोर्ट में 2 जजों की बेंच का फैसला, जिसने हाई कोर्ट की बेंच के फैसले में हस्तक्षेप किया, उसकी वजह से न्याय नहीं हो पाया। बेंच के फैसले को खारिज करते हुए इस कोर्ट ने एक साफ तरीके से अवैध आदेश को बहाल कर दिया था। ये बातें सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले के बारे में सीजीआई की बेंच ने कही, जिसने एक सार्वजनिक इकाई पर कुछ ज्यादा ही दायित्व सौंप दिया। बेंच ने ये भी कहा कि सुधारात्मक याचिका पर आर्टिकल 142 के तहत शक्ति का इस्तेमाल जरूर हो जाता है। अब यहाँ सवाल यह है कि अनिल अंबानी की कंपनी को 8,000 करोड़ भरने हैं, जिसका आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन इस फैसले से आखिर केंद्र सरकार खुश क्यों हुई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत क्यों किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक क्यों बताया है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने डीएमआरसी को बधाई दी है। उन्होंने सत्यमेव जयते कहते हुए लिखा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है, जिसके लिए डीएमआरसी टीम को बहुत बहुत बधाई। गौरतलब है डीएमआरसी और डीएमईपीएल सरकार की इकाई है, इसलिए अपनी इकाई के हक में फैसला आने पर केंद्रीय मंत्री ने अपनी खुशी जाहिर की है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।